हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा मालव, आपकी मेंटर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज को स्टडी करने से पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उन्हें एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। उनमें जो भी कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे उन्हें एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि के उनमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज के लिए हमारे लिए यूजफुल होंगे समझने में, तो वहाँ हमें हेल्प मिल सके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया था, उसकी हेल्प से हमने एक सीरीज जनरेट की थी जिसे हमने कहा था इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज के पदों के आधार पर हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले वो पद जिसमें सारे ही टर्म पॉजिटिव होती हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज, और दूसरी वो सीरीज जिसमें ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन चलते हैं उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। यहां पर अगेन हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उसके सम के आधार पर। अगर किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज का जो सीरीज के सारे पदों का जो सम है, अगर वो हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आता है तो हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, अभिसारी श्रेणी। और वो सीरीज जिसके पदों का योग अगर हमारे पास इनफाइनाइट आता है, कोई बहुत बड़ा मान आता है, तो हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज, अपसारी श्रेणी। तो होपफुली स्टूडेंट आपके यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि अगर कोई सीरीज, कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके एनवे पद की जो लिमिट आती है उसका मान जीरो आता है। ये जो थ्योरम थी डायरेक्टली हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें चेक करना होता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने इसे लॉजिकल मैथमेटिक्स की हेल्प से इस स्टेटमेंट का हमने नेगेशन स्टेटमेंट तैयार किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का, किसी पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज का एनवे पद की लिमिट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये श्योर है कि वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। और बात हम पॉजिटिव टर्म सीरीज की कर रहे हैं, तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कंफर्म है कि वो जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहां तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम हमारी हाइपर हार्मोनिक सीरीज को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो यहां पर अगेन मैं आपको थोड़ा सा रोकती हूं, हम दो चीजों पर पहले एक बार बात कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको रिकॉल करवाना चाहती हूं एक जीपी समीशन 2^n। ओके, इस सीरीज को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं जहां पे n इज इक्वल टू 1 to infinity है, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज को लिखेंगे तो ये टर्म हमारे पास आएगी 1/2 + 1/2^3 up to infinity। ओके, ये हमारे पास एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात r इज इक्वल टू 1/2 है, आप इजीली देख सकते हैं। ओके, और ये कॉमन रेशियो, ये जो r है, अगर ये 1 से less आता है, 1 से छोटा आता है, तो हम सीरीज का सम इजीली लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आता है n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/2^n, विच इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट 1/1 - r, जिसे हम लिखेंगे a मीन्स पहला पद 1/2 एंड 1 - 1/r। तो इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आती है। तो अनंत श्रेणी जिसका इनफाइनाइट पदों का योग अगर हमारे पास कोई फाइनाइट आता है, हम उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। और अगर यहां से हम एक और स्टेटमेंट निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी इनफाइनाइट जीपी, एक ऐसी जीपी जिसका सार्व अनुपात 1 से कम हो, तो वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज आती है। ओके, इसी के साथ हम एक और ट्रिक पर बात कर लेते हैं, सी डी डी सी। ओके, ये सी डी डी क्या है, एक बार इस पर हम बात करें। सी का मतलब है कन्वर्जेंट सीरीज, डी का मतलब है डाइवर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट अभिसारी श्रेणी, डाइवर्जेंट अपसारी श्रेणी। ओके, यहां पर एक चीज पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा प्लीज, 2 मिनट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास कोई सीरीज है जो कन्वर्ट
जो कन्वर्जेंट है, ओके, उस सीरीज से छोटे पदों की जो सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज से छोटे पदों की जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, ओके। लेकिन अगर हमारे पास कोई सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उससे बड़े पदों की सीरीज की बात करें, तो वो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है, ओके। ये कन्वर्जेंट सीरीज थी, मतलब हम ये कहें अगर हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज है, कोई अभिसारी श्रेणी है, तो उससे छोटे पदों की जो श्रेणी होगी वो कंफर्म कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। लेकिन उससे बड़े पदों की सीरीज के लिए हम कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो डाइवर्जेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो अपसारी श्रेणी है, डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़े पदों की जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी। डाइवर्जेंट सीरीज से बड़े पदों वाली जो भी सीरीज जनरेट होगी वो डाइवर्जेंट होगी। लेकिन उससे छोटे पदों की सीरीज के लिए हम कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उससे छोटे पदों की अगर कोई सीरीज है तो वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप कंफर्म इस ट्रिक से ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंट सीरीज से छोटे पदों वाली सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट सीरीज से बड़े पदों वाली सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी, ओके। नाउ अब हम हमारा हाइपर हार्मोनिक सीरीज का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है, समीशन 1/n⁴p, जिसे एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। यहां पर जो ये पी है, इस पी का मान यदि एक से बड़ा हो तो ये जो सीरीज जनरेट होगी इसे कन्वर्जेंट कहेंगे, और अगर इस पी का मान एक या एक से छोटा हो तो उसे हम डाइवर्जेंट कहेंगे। इस चीज पे हम बात करेंगे कि पी की वैल्यू को बारी बारी से हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ओके। अगेन एक और स्टेटमेंट, समटाइम्स क्योंकि इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पी की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इसलिए कभी कभी हाइपर हार्मोनिक सीरीज को हम पी सीरीज भी कहते हैं, ओके। कुछ बुक्स में आपको इसका नाम पी सीरीज के नाम से मिलेगा, ओके। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें। फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं, पहला केस, केस वन, अगर पी का मान एक से बड़ा हो, ओके। एक बार हम इस सीरीज को लिखें तो देखिए जरा, हम इसे लिखेंगे समीशन 1/n⁴p और इसे एक्सटेंड करके लिखेंगे, n = 1, दैट मीन 1/1⁴p, n = 2 मीन्स +1/2⁴p +1/3⁴p up to n 1/n⁴p एंड अप टू इंफिनिटी, ओके। सो स्टूडेंट देखिए जरा, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ओके। अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हम यहां पर एक काम करने वाले हैं, हम इसकी ग्रुपिंग करने वाले हैं, ओके। ग्रुपिंग इन द सेंस, हम यहां पे कुछ टर्म्स को एक साथ लेंगे एंड देन उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस सीरीज को एक बार थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिख देती हूँ, ताकि कि जिन भी टर्म्स की मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ वो इजीली नजर आए। 1/3⁴p, 1/4⁴p, 1/5⁴p, 1/6⁴p +1/7⁴p +1/8⁴p up to 8, 9, 10, 11, 12 एंड up to 15 प्लस सोन, इस तरह की टर्म्स इसके अंदर आएगी, ओके। यहाँ पे ग्रुपिंग करने के एम से मैंने इस टर्म को और ज्यादा एक्सपेंड करके लिखा है, ओके। अब देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसमें हम किसी भी टर्म को एक साथ ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रुपिंग करने का जो हमारा मेथड है
वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर जिन भी टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे उसमें हर एक ग्रुप जो स्टार्ट होगा वो टू की पावर से होगा। मींस अगर हम पहले पद की बात करें तो इस टर्म को हम टू की पावर में नहीं लिख सकते, तो इसे लीव कर दें। नेक्स्ट यहां पर ये हमारी जो टर्म आएगी ये टू की पावर में लिखी हुई है, ओके, टू रेज टू पावर पी। तो यहां से हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप होगा वो भी टू की पावर पी से स्टार्ट होगा। तो ये जो टर्म हमारे पास बनेगी इसे हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर टू पी, ओके। दैट मीन नेक्स्ट ग्रुप हमारा यहां स्टार्ट होगा, तो हम इस ग्रुप को, ये जो पहला ग्रुप है इसे यहां क्लोज कर दें। नेक्स्ट ग्रुप हमारा अगेन टू की पावर से बनेगा, तो हम इस ग्रुप को यहां से स्टार्ट करके यहां से शुरू करेंगे, ओके। और इस तरह से हम इस सीरीज में ग्रुपिंग करते चले जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां से भी हमें ग्रुप स्टार्ट करना है वहां पर स्टार्टिंग की जो टर्म है, पहला जो पद है, वो दो की पावर जनरेट करना चाहिए डिनोमिनेटर में, ओके। जो हर में जो संख्या लिखी है वो दो की पावर में लिखा जाना पॉसिबल होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो पहले ग्रुप में हमें दो टर्म मिलेगी, दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहां पर एक दो तीन चार, चार टर्म हमें मिलेगी। थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये टर्म क्लोज होगी 1/15 raised to power p पर, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप में अगेन 1/16 की पावर p आएगी, वहां से 16 को हम अगेन 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो वहां से हमारा नेक्स्ट ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास 8 पद आएंगे, ओके। पहले ग्रुप में 2 पद, दूसरे ग्रुप में 4 पद, तीसरे ग्रुप में 8 पद। आप देखेंगे कि जो हमने ग्रुपिंग की है उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 2 की पावर में ही जनरेट हो रहे हैं। 2 raised to power 1 means 2 पद, 2 raised to power 2 means 4 पद, 2 raised to power 3 means 8 पद, ओके नाउ। और इसी तरह से अगर आप आगे की जब ग्रुपिंग करना चाहेंगे आगे के नंबर्स की, तो वहां पर इस 1/16 की पावर पी, मतलब 1/16 की पावर पी से लेके वो टर्म बनेगी जहां पर हमें 16 पदों को काउंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 raised to power 3 means 8 पद हैं, तो आगे वाली टर्म में 2 raised to power 16 means 16 पद, सॉरी 2 raised to power 4 means 16, 16 पद जनरेट होंगे, ओके। अगेन एक और कंसेप्ट पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए जरा, यहां पर हम इजीली लिख सकते हैं 2 is less than 3, ओके। और p जो हमने लिया है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, दैट मीन अगर मैं यहां पर 2 की पावर p और 3 की पावर p लगाऊं तो p 1 से बड़ा है, दैट मीन ये पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव पावर अप्लाई करने पर हमारा ये साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मींस अगर मैं लिखूं 1/2 raised to power p 1/3 raised to power p, तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं कि 1/2 raised to power p की वैल्यू बड़ी हो जाती है 1/3 raised to power p से, ओके। सिमिलरली यही वर्क हम इसके साथ करें, जैसे ये जो टर्म है 4 और 5 में, अगेन यही कंसेप्ट हम अप्लाई करें, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/4 raised to power p इज ग्रेटर देन 1/5 raised to power p, ओके। तो यहां पर हम एक काम करने वाले, हमने ये सीरीज लिखी थी, इसमें पहली टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं 1/1 raised to power p प्लस 1/2 टर्म 2 raised to power p, ओके, एंड 1/3 raised to power p की जगह हम उससे बड़ी टर्म को अगर यहां रिप्लेस करते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने 1/3 raised to power p की जगह उससे बड़ा मान इस सीरीज में रखा है। मींस अब जो ये हमारी सीरीज थी उसमें हमने एक टर्म की जगह उससे बड़ा मान रखा है, तो ये जो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये मान इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी है, ओके नाउ। प्लस अगेन इस टर्म को हम एज इट इज लिखें 4 raised to power p एंड 1/5 raised to power p की जगह हम रिप्लेस कर दें 1/4 raised to power p, मींस उससे बड़ा मान, और जैसे ही हमने यहां पे बड़ा मान रखा ये वैल्यू अगेन बड़ी हो जाएगी,
तो ये ऑलरेडी बड़ी थी तो और बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये साइन एज इट इज रहेगा। एंड हम इस तरह से जो भी टू की पावर वाली टर्म्स है उसे एज इट इज रख कर बाकी सारी टर्म की जगह ऐसी टर्म रिप्लेस कर रहे हैं जो टू की पावर में लिख सकते हैं और उस टर्म से बड़ी है। ओके, तो यहां पर इससे बड़ी जो टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास 1/4 raised to power p। सिमिलरली 1/4 raised to power p प्लस 1/4 raised to power p कंपेयर करके देखेंगे इसी मेथड से, तो आपको नजर आएगा कि ये सारी टर्म्स जो हैं इन सारी टर्म्स से बड़ी हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया है, क्योंकि इन सीरीज का जो मान आएगा वो इस सीरीज के सम के मान से बड़ा होगा, क्योंकि हमने बड़ी टर्म्स रिप्लेस की है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर यहां पर भी बात करें तो ये सारी टर्म हम अब इस फॉर्मेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, एक बार इसे दोबारा लिखें, 1/1 raised to power p प्लस इसे ऐड करके लिखें, एलसीएम लें तो ये टर्म हमारे पास आएगी 2/2 raised to power p। इस टर्म में चार पद हैं, एलसीएम लें और ये टर्म हमारे पास आएगी 4/4 raised to power p। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास जनरेट होगी, इसमें हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि जो टर्म्स है, जो ग्रुपिंग हमने की है वो इस तरह से की है कि पहले ग्रुप के अंदर दो टर्म्स आएंगी, दूसरे ग्रुप के अंदर चार टर्म्स आएंगी, तीसरे ग्रुप के अंदर आठ टर्म आएगी। तो हम इस टर्म में सारी टर्म इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8/8 raised to power p up to infinity। ओके, सीरीज को एक बार और हम लिखते हैं यहां पर, दिस इंप्लाइज समीशन 1/np। इस टर्म को एज इट इज लिखें, 1/1 raised to power p। इस टर्म को हम सॉल्व करके लिखते हैं, ये 2 raised to power 1 डिनोमिनेटर में 2 raised to power p, सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आएगी 1/2 raised to power p-1। ओके, इस टर्म की बात करें 4 raised to power p मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2p, और अंश में जो मान लिखा हुआ 4 दैट मीन 2 की पावर 2, तो इसे हम कैलकुलेट करके इजीली लिख सकते हैं 2 raised to power 2p-2। ओके, सिमिलरली इस वाली टर्म की बात करें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म जनरेट होगी हमारे पास 2 raised to power 3p, एंड न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये टर्म हमारे पास जनरेट होगी 2 raised to power-3। सम करेंगे ये वैल्यू हमारे पास जनरेट होगी। इसी तरह से हमें आगे की टर्म मिलती चली जाएंगी। एक बार इसे और अच्छे से रीअरेंज करके लिखें, हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/2 raised to power p-1 एंड प्लस इस टर्म को हम लिखेंगे 1/2 raised to power p-1 whole power 2। ओके, प्लस 1/2 raised to power p-1 whole power 3। ओके, एंड सो ऑन। ओके, सो स्टूडेंट हमने जो हमारे पास गिवन सीरीज थी उसमें ग्रुपिंग करके कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जिससे हमारे पास जो गिवन सीरीज थी उससे बड़े पदों की सीरीज जनरेट हुई, और फाइनली जो सीरीज हमारे पास जनरेट हुई है वो एक इनफाइनाइट जीपी है, वो भी इस तरह की जीपी जो 2 की पावर्स में है। और हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसी इनफाइनाइट जीपी जिसका सार्व अनुपात कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। एक बार ये जो हमारी सीरीज जनरेट हुई है इसका अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो आता है 1/2 raised to power p-1। ओके, और हम जो केस स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने p का मान 1 से बड़ा लिया है, मींस यहां पर p-1 जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि p का मान जो है 1 से बड़ा है। और जैसे ही ये पावर 1 से बड़ी जनरेट हुई 1/2 raised to power p-1, इसका मान 1 से छोटा हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी जीपी का आर अगर 1 से छोटा है तो वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। ओके, मतलब जो हमारे पास सीरीज जनरेट हुई है ये कन्वर्जेंट है। और एक कंसेप्ट हमने एक और पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो कन्वर्जेंट है तो उससे छोटे पदों की जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। मींस इस जीपी से छोटे पदों की अगर कोई सीरीज है
तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज समीशन वन अपॉन एन रेस टू पावर पी इज कन्वर्जेंट अभिसारी श्रेणी जब पी का मान हमने एक से बढ़ा लिया है। ओके, यही हमारे हाइपर हार्मोनिक सीरीज का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अगर पी का मान एक से बढ़ा लिया जाए तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। होपफुली ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, नेक्स्ट केस की, कि अगर पी का मान वन हो तो सीरीज किस तरह से बिहेव करेगी। नेक्स्ट केस में हम पी का मान लेते हैं वन और अब हम इस सीरीज का फॉर्मेट चेक करते हैं कि पी इज इक्वल टू वन रखने पर इस सीरीज का फॉर्मेट क्या हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे इसे समीशन वन अपॉन एन रेस टू पावर पी, पी का मान वन। ओके, और अब इस सीरीज को अगर हम एक्सपेंड करें एन की वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर से आती है तो हम इसे लिखें वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन नाइन अप टू वन अपॉन सिक्सटीन एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि हमने केस वन में किया था वहां भी हमने सीरीज को एक्सपेंड करके लिखा था एंड देन हमने उसकी ग्रुपिंग की थी। यहां पर भी हमने सीरीज को एक्सपेंड करके लिखा है, यहां पे भी हम ग्रुपिंग करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट केस में किया था वैसा ही हम यहां करेंगे, बस एक चेंज होगा। वहां हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था, मींस अगर हमने कोई भी ग्रुप जनरेट किया था तो उस ग्रुप में जो पहला टर्म था वो टू की पावर में लिखा जा सकता था। यहां पे हम जो काम करेंगे वहां पर जो भी हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे उसकी एंडिंग में जो टर्म आएगी उसे हम टू की पावर में लिख पाए। ओके, मींस उस केस में हमने स्टार्टिंग टू की पावर से की थी, इस केस में हम एंडिंग टू की पावर से करेंगे। ओके, तो आप लोग एक बार जल्दी से इस सीरीज को लिखिए और उसकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर हम यहां से फर्स्ट दो टर्म्स को लीव करके थर्ड टर्म से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करें तो ये टर्म हमारे पास जनरेट होती है वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। वन अपॉन फोर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू रेस टू पावर टू, मीन्स ये टू की पावर में लिखा जा सकता है, तो हम इस ग्रुप को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप इसके बाद से स्टार्ट होगा और वहां तक जाएगा जिस टर्म को हम टू की पावर में लिख सकते हैं। आई होप आपको नजर आ रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसे हम टू की पावर में लिख सकते हैं। तो वो टर्म हमारे पास आएगी वन अपॉन एट, मीन्स जिसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू रेस टू पावर थ्री। ओके, और नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास जनरेट होगा वन अपॉन नाइन से वन अपॉन सिक्सटीन तक, एंड इसी तरह से हम ग्रुप जनरेट करते चले जाएंगे। ओके, अगेन वही वर्क जो वहां किया था, पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास चार एलिमेंट हैं। यहां पे अगर आप काउंट करोगे तो यहां पे आपके पास आठ एलिमेंट आएंगे और इस तरह से आगे आने वाले हर ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टू की पावर में बढ़ते चले जाएंगे। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर से हम एक काम करते हैं, यहां पर वन प्लस वन बाय टू ये जो वैल्यू है बड़ी होती है वन बाय टू से। ओके, वन प्लस वन बाय टू इसका जो टोटल मान आएगा वो वन बाय टू से बड़ा होगा, वी नो दैट। एंड अगेन यहां पर अगर हम बात करें थ्री इज लेस देन फोर, और जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन वन अपॉन फोर। ओके, सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो ये टर्म हमारे पास है, सपोज हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एट इज ग्रेटर देन सेवन, और रेसिप्रोकल करें तो ये टर्म हमारे पास जनरेट होगी वन अपॉन एट इज लेस देन वन अपॉन सेवन। ओके, वहां पर भी हमने जो जीपी जनरेट करने की कोशिश की थी वो दो की पावर में वन अपॉन टू की पावर में थी, यहां पर भी वही वर्क करेंगे लेकिन इस बार फॉर्मेट हमारा क्या आता है वो हम यहां से वैल्यूज रिप्लेस करते हुए देखेंगे। ओके, देखिए जरा यहां पर वन प्लस वन बाय टू इस टर्म की अगर हम बात करें तो इस टर्म की जगह इससे छोटी वैल्यू अगर हम यहां रिप्लेस करें, मीन्स वन प्लस वन बाय टू से छोटी वैल्यू, मीन्स वन बाय टू अगर हम यहां रिप्लेस करें तो ये इक्वल टू का जो साइन है
यहां पर इस सीरीज का सम करने पर ये वैल्यू आती है, तो हम यहां पर इस टर्म में इससे छोटी वैल्यू रिप्लेस करने, मींस अब जो सीरीज हमारी जनरेट होगी उसका सम प्रीवियस सीरीज की सम से छोटा होगा। दैट मीन हम यहां पर इस साइन को यूज कर सकते हैं। हमारी जो सीरीज गिवन थी उस सीरीज में हम छोटे मान को रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो सम जनरेट होगा, जो योगफल आएगा, उस योगफल का मान भी जीरो होगा, सॉरी कम होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, ओके, वन अपॉन फोर को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम इसे वन अपॉन टू की पावर में लिख सकते हैं, और वन अपॉन थ्री की जगह पर उससे छोटी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम यहां पर छोटी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इस सीरीज का मान और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो ये साइन एज इट इज बना रहेगा, और यही काम हम आगे की टर्म्स के साथ करते चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, जो भी टर्म्स हम इन टर्म्स की जगह पर रिप्लेस करें, वो इस तरह की टर्म हो जिन्हें हम टू की पावर में लिख सकें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जहां पे हमने ग्रुप को लीव किया है, जहां पे हमने ग्रुप को क्लोज किया है, उसी टर्म की फॉर्मेट में हम सारी वैल्यूज को रखें। ओके, तो यहां पर 1/5 इससे छोटी वैल्यू है 1/8, 1/6 इससे छोटी वैल्यू अगेन 1/8, 1/7, 1/7 से छोटी वैल्यू है 1/8, एंड एज इट इज 1/8। ओके, ये ग्रुप क्लोज। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं स्टूडेंट कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से वैल्यू को रिप्लेस करना स्टार्ट किया है। यहां पर वहां जब हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया था तो हमने बड़ी वैल्यू को पुट किया था। बड़ी वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास नई सीरीज जनरेट हुई थी उसका योगफल पुरानी जो सीरीज थी उससे बड़ा आया था। अब यहां पर हमने जो भी टर्म रिप्लेस की है वो पहले वाली टर्म्स के कंपैरिजन में छोटी हैं, और छोटी हैं तो जो नई सीरीज हमारे पास जनरेट हुई है इस सीरीज का जो योगफल आएगा वो प्रीवियस सीरीज से छोटा होगा। ओके, और इसी तरह से हम आगे की टर्म्स को भी रिप्लेस करते चले जाएंगे। इस सीरीज को एक बार हम एलसीएम लेकर इन ग्रुप की वैल्यूज को चेक करते हैं कि ये वैल्यूज हमारे पास क्या आती है। दिस इज 1/2, ये टर्म हमारे पास आएगी, एलसीएम आएगा 4, तो ये टर्म बनेगी हमारे पास 2/4, जिसे हम लिख पाएंगे 1/2। ओके, प्लस इस टर्म की बात करें, एलसीएम 8 आएगा, मीन्स अगर इसे हम सम करें तो ये टर्म बनेगी हमारे पास 4/8, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, और 4/8 को हम फिर से लिख सकते हैं 1/2। एंड इस तरह से हर टर्म हमारे पास, जितनी भी हमने ग्रुपिंग की है, वो हर एक ग्रुप हमें 1/2 वैल्यू देता चला जाएगा। ओके, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अगेन माना एस एन श्रेणी 1 के प्रथम n पदों का योगफल है, या फिर श्रेणी 1 का आंशिक योगफल है, आंशिक योगफल है। ओके, तो यहां से हम इस सीरीज के प्रथम n पदों को योग करें जिसे हम एन लिखेंगे। ओके, और इससे छोटी सीरीज के भी एन पदों का अगर हम योग करें, इससे छोटी सीरीज ये वाली वैल्यूज है जिसमें हर टर्म हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2 है, और 1/2 को अगर हम एन टाइम्स जोड़ेंगे तो वो टर्म हमारे पास आएगी एन मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, 1/2 + 1/2 + 1/2, 1/2 को 3 टाइम ऐड करोगे तो वो हमारे पास आएगा 3 × 1/2। सिमिलरली अगर हम इसे n टाइम ऐड करेंगे तो ये टर्म हमारे पास जनरेट होगी n मल्टीप्लाई 1/2। ओके, अब हमें कंप्लीट सीरीज का सम चाहिए, तो कंप्लीट सीरीज का सम लिखने का मेथड हमारे पास होता है बोथ साइड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई कर दें, और जैसे ही हम sn पर n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं समीशन 1/n बन जाएगा, और बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू को हम बड़ा करता चले जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां पर मान इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है। तो सोचिए ये वाली वैल्यू
इस वैल्यू में एन का जो मान है वो बड़ा होता चला जाएगा और एन टेंस टू इंफिनिटी पर ये मान हमें इंफिनिटी देगा। और अगर ये वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंस करती है तो इससे बड़ी वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगी। ओके, सो स्टूडेंट हम यहां पर कहें ये जो सीरीज का सम है ये कंप्लीट सीरीज का सम है, दैट मीन समीशन वन अपॉन एन जो सीरीज हमारे पास जनरेट हुई है ये डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि इसका कंप्लीट सम हमारे पास जो आ रहा है वो इंफिनिटी आ रहा है। और किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज का सम अगर इंफिनिटी आए तो हम उसे डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। तो ये हमारा केस नंबर सेकंड था जिसमें हमने पी की वैल्यू वन रिप्लेस की और सीरीज का बिहेवियर चेक किया। अगर छोटे पदों की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है तो उससे बड़े पदों की सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो डाइवर्जेंट है तो उससे बड़े पदों की सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट बनेगी। होपफुली स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट केस हमारे पास है कि पी का मान अगर एक से कम हो तो सीरीज का बिहेवियर क्या होगा। अब हमारे पास एक लास्ट केस बचा है एन लेस सॉरी पी लेस देन वन का। ओके, इसे स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज मेरे पास वैल्यू है 3। ओके, इस 3 पर अगर मैं 1 से छोटी कोई पावर अप्लाई कर दूं, सपोज लाइक 1/2, तो अब जो हमारे पास वैल्यू जनरेट हुई है 3^(1/2) या √3 जिसे हम कहते हैं, ये वैल्यू छोटी होती है 3 से। ओके, और अगर 3 पर मैं और छोटी पावर अप्लाई कर दूं, बस वो 1 से छोटी होनी चाहिए, तो वो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। सपोज 3 की पावर 0, 1 से छोटी है। नेगेटिव पावर की बात करें तो अगेन सपोज 3^-1। तो इस तरह से अगर किसी भी नेचुरल नंबर पर 1 से छोटी पावर हम अप्लाई करते चले जाते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती चली जाती है। जनरल वे में अगर हम इसे देखें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर पर 1 से छोटी पावर अप्लाई करने पर वो जो वैल्यू जनरेट होती है वो उस नेचुरल नंबर से छोटी होती है। तो अगर हम इसे जनरल वे में लिखें तो हम लिख सकते हैं n^p इज लेस देन 2 n, जहां पे n नेचुरल नंबर है और p जो है लेस देन 1 वैल्यू है। ओके, अगेन हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वहां पर रेसिप्रोकल अगर हम इस टर्म का करें तो ये टर्म हमारे पास आएगी 1/n, दिस इज 1/n 1/(n^p) एंड दिस इज 1/(n) और यहां पर रेसिप्रोकल करते हैं ये साइन चेंज हो जाता है। ये हम अपनी बेसिक क्लासेस में सीख चुके हैं। नाउ अब मैं यहां पर सीरीज जनरेट करूं या ये कहूं बोथ साइड अगर समीशन अप्लाई करूं तो ये टर्म हमारे पास आएगी समीशन 1/(n^p) ग्रेटर देन समीशन 1/(n). ओके, इस सीरीज को ध्यान से देखिए। ये सीरीज जस्ट लास्ट केस में हमारे पास जनरेट हुई थी जब 1/(n^p) पर मैंने p की वैल्यू 1 रखी थी, केस नंबर सेकंड। वहां पे सीरीज जनरेट हुई थी और केस नंबर सेकंड में ये जो सीरीज थी वो डाइवर्जेंट थी। तो उस केस का अगर हम यहां पे रेफरेंस दें तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं समीशन 1/(n) इज डाइवर्जेंट या ये कहें अपसारी है, अपसारी श्रेणी है। और एक कंसेप्ट जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था मैं आपको रिकॉल करवा दूं, C D C C D D, इस तरह से टर्म बढ़ती चली जाती है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उससे छोटे पदों की जो सीरीज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। बड़े पदों की सीरीज के लिए हम कोई कंसेप्ट नहीं दे सकते, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कन्वर्जेंट सीरीज से बड़े पदों की जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। सिमिलरली यही केस हमने डाइवर्जेंस के लिए स्टडी किया था कि अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो उससे बड़े पदों की जो सीरीज होगी वो हमेशा डाइवर्जेंट बनेगी। लेकिन डाइवर्जेंट सीरीज से छोटे पदों की जो सीरीज होती है उसके लिए हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई स्टेटमेंट नहीं होता। डाइवर्जेंट सीरीज से छोटे पदों की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सीरीज है
ये हमारे पास डायवर्जेंट सीरीज है और उससे बड़े पदों की जो सीरीज है, डायवर्जेंट से बड़े पदों की जो सीरीज होगी वो भी हमारे पास हमेशा डायवर्जेंट होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं समीशन एन अपॉन एन पी, इसलिए समीशन वन अपॉन एन पी इज डाइवर्जेंट। अब सॉरी श्रेणी है, ओके। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारे ये तीनों केस समझ में आए होंगे। मैं एक बार और आपको रिकॉल करवा दूं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि इससे इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। एक बार हम देखें, हाइपर हार्मोनिक सीरीज का जो फॉर्मेट था वो था समीशन वन अपॉन एन रेज टू पावर पी, वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड यहां पर पी को हमने तीन केसेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट केस पी इज ग्रेटर देन वन, सेकेंड केस पी इज इक्वल टू वन एंड लास्ट पी इज लेस देन वन। फर्स्ट केस के अंदर जो सीरीज आई थी समीशन वन अपॉन एन पी इज कॉन्वर्जेंट, इसके अंदर जो सीरीज आई थी वो डाइवर्जेंट एंड लास्ट केस समीशन एन समीशन वन अपॉन एन रेज टू पावर पी इज डाइवर्जेंट। होपफुली स्टूडेंट आपको ये पूरा कंसेप्ट पूरा प्रूफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो रेडी हो जाइए, हम इनफाइनाइट सीरीज के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर पी सीरीज या ये कहें हाइपर हार्मोनिक सीरीज का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज से रिलेटेड। थैंक यू।